नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी प्रमुख नेताओं ने मीडिया से चर्चा की। चर्चा में उन्होंने बताया कि ये कांग्रेस पार्टी पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर प्रहार है। हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश है ये। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम देश की 20% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आज हम एक रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि 7 साल पहले का 14 लाख रुपए का मामला है, लेकिन फाइन है 200 करोड़ का। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए, 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इश्यू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या, 200 करोड़। जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। चोरी की दुपहिया वाहन से चेन स्नेचिंग करने वाले 3 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आरोपी मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को अपना निशाना बनाया करते थे। अब तक इन आरोपियों ने चोरी और चेन स्नेचिंग की आधा दर्जन घटनाओं को अंजाम दिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5 नग सोने की चैन और 2 नग सोने की अंगूठी जब्त की है। सर्वेश दुबे मूलतः मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला है और 2017 में ये जियो टावर में काम करने के नाम पर रायपुर आया था और उस समय ये यहाँ पर रहने लगा और धीरे धीरे ये पहले 2017 के बाद से 3 चेन स्नेचिंग की वारदात किया और उसमें ये पहले जेल में रहा, जहाँ इसकी जो मुलाकात है वो कैलाश यादव नाम के एक दूसरे मुलजिम से हुई, जो मूलतः रायपुर के गोबरा नवपारा का रहने वाला है और वही फिर उसको अपने घर में पनाह दिया। इसमें तीसरा आरोपी है कृष्णा मेसराम, जो अपने आप को मूलतः लॉ का स्टूडेंट बताता है। इसके बारे में और पूछताछ अभी की जा रही है। ये इनके साथ में मिला और ये लोग माल इस प्रकार से घटना करके जो है बाइक चोरी के मामले में भी ये लोग पहले कई प्रकार के बाइक को ये लोग चोरी कर चुके हैं। इन लोगों का मोडस ये है कि ये लोग जनरली एक बाइक चोरी करते हैं। अभी जो पल्सर एक बाइक ये लोग राम मंदिर के पास से चोरी किए थे, उसी को इस तीनों घटना में ये लोग इस्तेमाल किए। रायगढ़ के लैलुंगा क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय युवती देववती राठिया बिलासपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान वो एक इंजीनियर के घर पर घरेलू काम भी किया करती थी। उसी इंजीनियर के घर पर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इसकी सूचना उसके परिजनों को दे दी है और जांच प्रारंभ कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि हम हमेशा कहते थे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं। आज ये कहावत चरितार्थ हो रही है। नितिन नवीन ने कहा कि महादेव ऐप का मामला हो या फिर उनकी ही पार्टी के कोष का मामला, लगातार उनके खिलाफ शिकायत हो रही है। प्रदेश सह प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस कमेटी के कोष पर हाथ साफ करने की शिकायत प्रदेश अध्यक्ष से की गई है। अगर वो कार्रवाई करेंगे तो उनकी ही कुर्सी चली जाएगी। अरे भाई, हम लोग कहते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि इस लाइन को अगर हम कहते थे तो कैसे वो चरितार्थ हुआ। जिस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी के कोष को भी उन्होंने हाथ साफ कर दिया। तब तो जो कोषाध्यक्ष हैं और जो उनके संबंध हैं वो तो सार्वजनिक है। तो आज प्रदेश अध्यक्ष को कंप्लेन हुआ है। अब प्रदेश अध्यक्ष
निर्णय अगर लेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी, और नहीं निर्णय लेंगे तो जो कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि आज कांग्रेस के खजाने पर भी हाथ साफ कर लिया भूपेश और उनके तथाकथित लोगों ने, तो यही हम लोग कहते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। राजधानी रायपुर में कुछ दिनों पूर्व प्रारंभ हुए कला केंद्र में राजधानी वासियों की रुचि बढ़ रही है। हर उम्र के लोग यहां कुछ न कुछ सीखने अपना पंजीयन बड़ी संख्या में करवा रहे हैं। बता दें कि यहां कई विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है, खासकर बच्चों के लिए ड्राइंग, सिंगिंग, गिटार वादन समेत कई विधाएं उपलब्ध हैं। बुधवार को यहां रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशिक्षकों और बच्चों से संवाद भी किया, साथ ही आदेश दिया कि अब कला केंद्र रविवार की बजाय मंगलवार को बंद रहेगा। यहां उन्हें अन्य विधाओं के प्रशिक्षण प्रारंभ करने के सुझाव भी प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों राजनांदगांव लोकसभा में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। यहां उन्हें प्रचार के दौरान ग्रामीणों से ये भी सुनने को मिल रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट किया लेकिन वोट गया भाजपा में। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि इस बार ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि वोटिंग के समय अगर ऐसी गड़बड़ी हुई तो उसकी तत्काल शिकायत करनी चाहिए थी। बंजन लाला धन कमल लिखा थोड़ा नहीं देखिए बटन दबाया बटन दबाया और तीन जिन छापला डाले तीन दूसरा दिखा दो तत्काल शिकायत कर भैया मैं दूसरा रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय हर समय चुनाव प्रचार के मूड में नजर आ रहे हैं। वे मॉर्निंग वॉक में भी लोगों से मिलकर कांग्रेस की गारंटी की बातें साझा कर रहे हैं। आज सुबह भी वे मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मिले और मतदान करने की अपील करने के साथ रायपुर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आए। प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने यहां लोगों के साथ कसरत भी की। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक। रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।